राजकुमार अर्जुन को सारी तैयारियों के साथ जगाया जाए मंत्री जी। आज उनका जन्मदिन है और बाली के लिए बहुत खास दिन भी। राजकुमार को जगाओ। ओ, अर्जुन जागने वाला है। अरे पूछो कहाँ है, पूछो। ओ, 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 अर्जुन जागने वाला है। ए, मंत्री के बेटे खोजो को गिराकर कहाँ जा रहे हो? अरे आज सब लोग है यहाँ। हर रोज ऐसे ही उठना पसंद करूंगा। महाराज और महारानी पधार रहे हैं। पिताजी, माँ। अर्जुन, जन्मदिन मुबारक हो बेटे। अर्जुन बेटे, जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। जन्मदिन मुबारक हो भैया। अर्जुन, तुम आज से राजसभा आओ और राजपाट सीखना शुरू कर दो। एक अच्छा राजा बनने के लिए ये बहुत जरूरी होता है बेटा। जी पिताजी। निशाने का कमाल। अर्जुन बेटे, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा तुम्हारा। क्या हुआ तानिया? भैया, तुम्हारा अभ्यास, अभ्यास नहीं, रियाज किया हुआ प्रदर्शन लग रहा था। मतलब? मतलब हर रोज इधर ही रियाज करते होंगे ना, इन्हीं चीजों पर निशाना लगाते होंगे। कुछ भी तो नहीं बदला। ये बेचारे निशान तो हिल भी नहीं सकते। शत्रु निशाना बनकर थोड़ी खड़ा रहेगा तुम्हारे सामने। क्या बोल रही हो तुम? पूरे बाली में कौन ये कर सकता है? अगर इतना अभ्यास कर सकता हूँ तो शत्रु को भी संभाल सकता हूँ। तानिया, क्यों अपने भैया को चिढ़ा रही हो? तानिया ने शरारत में ही सही, बात तो सोचने वाली की है। पिताजी, आप तानिया से सहमत हो? ये हर समय मुझे चिढ़ाती रहती है। पर अर्जुन, आज उसने अनजाने में अहम सवाल उठाया है।
शत्रु हर बार हमें झटका देता है, कभी भी निशानों की तरह एक जगह पे नहीं होता। शत्रु से एक कदम आगे रहने के लिए हमें अपना अभ्यास और भी बेहतर करना होगा। कल से मैं खुद अर्जुन को अभ्यास कराऊंगा। महाराज की जय हो। क्या खबर लाए हो पांडू? महाराज, बड़ी दिलचस्प खबर है। हमें यकीन है कि राज्य के उत्तरी दिशा में जो झरनों वाली घाटी है, वहाँ एक खुफिया जगह पर बहुत बड़ा खजाना है, जिसे हासिल करने से हमारे राज्य को बहुत फायदा होगा महाराज। हो, बढ़िया, फिर देर किस बात की? महाराज, पर झरनों की घाटी में जाकर उस खुफिया खजाने को लेकर आना मामूली खुदाई करने वालों के बस की बात नहीं है। एक साहसी योद्धा ही ये काम कर सकता है। मैं ऐलान करता हूँ, जो भी ये खजाना लेकर आएगा उसे बड़ा सम्मान और इनाम दिया जाएगा। मैं लाऊंगा खजाना, मैं। रुको रुको, मोटे, अरे सुनो बच्चा। वांगी होती तो तुरंत पता चल जाता। अरे ये तो खोजो की आवाज लग रही है। अर्जुन, हम इस केकड़े को पार नहीं कर पाएंगे। अर्जुन, तुम बहुत दिलेरी के साथ इस खजाने को लेकर आए हो। हम सबको तुम पर बहुत नाज है अर्जुन। कभी जो कोई वांगी रहती, हरदम तैयार, हरदम तैयार। खोजो रहता इसी ताक में, अर्जुन की हो कैसे हार। ऊट पटांग कहानी सुनाए रसोया नींबू बार बार।